हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका पुनिया। आज आपको भूगोल विषय का प्लेट विवर्तनी की अध्याय पढ़ाऊंगी, जिसमें हमें ये देखना है कि प्लेट कितने प्रकार की होती हैं, प्लेट का निर्माण कैसे हुआ है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और किस किस विद्वान ने इसके ऊपर काम किया है। अभी नॉर्मली अगर हम देखें तो प्लेट हम किसे बोलेंगे? प्लेट की परिभाषा अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो प्लेट कंकड़ पत्थर की एक कठोर संरचना है। प्लेट कंकड़ पत्थर की एक कठोर संरचना है, यानी पृथ्वी के नीचे लावा जब उद्घाटित होकर पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होता है और वो समय के अनुसार धीरे धीरे करके ठंडा हो जाता है तो वो ठोस बदल जाता है, यानी लावा के ठंडा होने से संगठित संरचना जो बनती है, जो कठोर बन जाती है, उसे हम प्लेट कहते हैं। अब प्लेट की मोटाई जो है वो गहराई के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसको मेजरमेंट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि कहीं पर वो कम देखने को मिलती है, कहीं पे ज्यादा। यानी अगर महाद्वीपों के नीचे हम देखेंगे तो महाद्वीपों के नीचे उसकी गहराई ज्यादा होगी और महासागरों के नीचे उसकी गहराई थोड़ी कम होगी। यानी अगर सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो प्लेट हमारे धरातल के नीचे सैकड़ों किलोमीटर तक पाई जाती है। अब प्लेट टेक्टोनिक जो हमारा आज का विषय है, जिसके ऊपर हमें आज थोड़ा सा स्टडी करना है, तो प्लेट टेक्टोनिक वर्ड जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। प्लेट टेक्टोनिक, जिसे हम हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो जिसका निर्माण जिसका अर्थ है निर्माण या संरचना, यानी वो कैसे बनी है, उसकी रचना कैसे हुई है। अब ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो एक लावा या बेसाल्ट, जो पत्थर वगैरह कंकड़ पत्थर हैं, उनकी कठोर संरचना के एक जगह पे स्थिर होने के कारण, एक जगह पे स्थित होने के कारण उसका निर्माण हुआ है। प्लेट शब्द अगर हम देखें कि प्लेट शब्द किसने दिया था, तो सबसे पहले प्लेट शब्द टूजो विल्सन महोदय ने दिया था। टूजो विल्सन महोदय ने प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था और प्लेट विवर्तनी की जो हमारा आज का अध्याय है उसके ऊपर सबसे पहले काम मोर्गन महोदय ने किया था। मोर्गन महोदय ने किया था। अब मोर्गन महोदय ने प्लेट के बारे में पता लगाया कि उसमें कितनी गहराई पे है, कितने प्रकार की पाई जाती हैं, उनकी गहराई कितनी है, उनमें गति है या नहीं है, या फिर मतलब वो किस किस रूप में बनी है, किस किस संरचना से बनी हुई है, किसमें कितना घनत्व है और कौन सी जलीय है, कौन सी स्थलीय है। तो मोर्गन महोदय के मन में ये विचार कहाँ से आया? तो मोर्गन महोदय ने जब हैरी हैस महोदय की, हैरी हैस एक ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं, जब हैरी हैस महोदय की समुद्र नेतल प्रसरण एक थ्योरी या सिद्धांत पढ़ा था, जिसे हम इंग्लिश में सी फ्लोर सेपरेटिंग कहते हैं, इसके बारे में जब मोर्गन महोदय ने इसे पढ़ा तो उनके मन में विचार आया कि प्लेटों के बारे में हमें थोड़ा सा नजरिया बदलना होगा, प्लेट का निर्माण कैसे हुआ है और उनकी गति कैसे है और उसका मतलब अलग अलग प्रकार से डेंसिटी कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके बारे में सारा का सारा उन्होंने फिर अध्ययन करना शुरू किया। अब हम अगर देखें कि प्लेट कितने प्रकार की हैं, अब सिंपल सा हम जैसे पहले बोल चुके हैं कि कंकड़ पत्थरों की एक कठोर संरचना है, तो हम जहाँ पे रह रहे हैं यानी महाद्वीपीय प्लेट, और उसके बाद जहाँ पे जल है यानी एक जलीय यानी महासागरीय प्लेट, तो प्लेट कितने प्रकार की है हमें ये देखना है। तो प्लेट के प्रकार हम अगर देखेंगे तो वो है, एक है महाद्वीपीय प्लेट, दूसरी है महासागरीय प्लेट, और तीसरी अगर मैं आपको बताऊं तो महाद्वीपीय प्लस महासागरीय प्लेट, इन दोनों के संगठन से एक प्लेट का निर्माण होता है। यानी पहली प्लेट जो हमारी है वो है महाद्वीपीय प्लेट, सेकेंड प्लेट जो है वो महासागरीय प्लेट है, और थर्ड प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय है। यानी महाद्वीपीय प्लेट है, इसके अंदर केवल स्थलीय खंड ही हमें देखने को मिलता है, पूरा का पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। दूसरी जो है महासागरीय प्लेट, इसमें केवल जलीय भाग ही हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारी पैसिफिक यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट। उसके बाद महाद्वीपीय और महासागरीय जो प्लेट है, इसमें क्या होगा कि कुछ हिस्सा महासागरीय होगा और कुछ हिस्सा महाद्वीपीय होगा, यानी उसमें जल भी पाया जाएगा और स्थल भी पाया जाएगा। तो ऐसी कौन सी प्लेट है? वो है नॉर्थ और साउथ इंडियन की प्लेट, जो अंध महासागर के साथ साथ टच होती है। ठीक
ठीक है, ऐसा भाग जिसके ऊपर कुछ भाग ऐसा है जहां पे इंसान रह रहा है और दूसरा जो भाग है वो जल में डूबा हुआ है। तो ये तीन प्लेटें हमारी हो गई। अब हमें ये देखना है कि इनकी गहराई कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी कि महाद्वीपीय प्लेट की। महाद्वीपीय प्लेट की जो गहराई है वो है 50 से 60 किलोमीटर तक, लगभग 50 से 60 किलोमीटर तक महाद्वीपीय प्लेटें पाई जाती हैं। और सेकंड हम देखेंगे कि महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट के जस्ट नीचे महासागरीय प्लेट पाई जाती है और उसकी ये 50 से 60 किलोमीटर तो कवर कर लिया महाद्वीपीय प्लेट ने। अब इस गहराई के नीचे जो प्लेट पाई जाएगी वो है महासागरीय प्लेट और इसकी मोटाई होगी 5 से 10 किलोमीटर के आसपास तक। यानी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे महासागरीय प्लेट का जो मेजरमेंट हम करेंगे वो केवल 5 से 10 किलोमीटर तक ही होगा। ठीक है, अब हमें इनका घनत्व देखना है यानी इनकी डेंसिटी देखनी है। तो आपको सब पता ही है, आपने इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हमारे पहले वाली क्लास में किया ही था। तो उसमें क्या है कि क्रस्ट यानी सबसे ऊपर की जो सतह है हमारी, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं या जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, तो क्रस्ट जो है सबसे ऊपर है तो सबसे हल्की है। तो सबसे ऊपर जो होगी वो सबसे हल्की होगी। जैसे जैसे हम डीप में यानी गहराई में जाते जाएंगे तो उससे क्या होता जाएगा कि वहां पे तापमान और दबाव दोनों ही बढ़ता जाएगा, यानी टेम्परेचर और डेंसिटी जो है किसी भी स्थान पर किसी भी प्लेट की बढ़ती जाएगी। तो महाद्वीपीय जो प्लेट है उसका घनत्व है 2.7 और महासागरीय जो प्लेट है उसका घनत्व है 3.0। ठीक है, अभी महाद्वीपीय प्लेट पता है हमें, महासागरीय प्लेट पता है, और महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट कहाँ है ये हम मैप पे देखेंगे बाद में। लेकिन अभी हम पहले क्या करेंगे कि प्लेट की गति देखेंगे कि उनकी स्पीड कितनी है और वो किस किस तरह से मूवमेंट कर रही हैं, उन्हें किस तरह से खिसक रही हैं, उनको खिसकाने के लिए कौन से बल कार्य कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जहां से इस हमारे अध्याय का, इस हमारे टॉपिक का उद्भव हुआ है, वो हैरी हेस ने दिया था। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग में उन्होंने क्या बताया था कि किसी प्लेट के नीचे जब कोई मूवमेंट होती है यानी वहां से जब कोई करंट, जो कन्वेक्शनल करंट है यानी संवहनीय जो तरंगे हैं वो निकलने की कोशिश करती हैं, तो उससे हमारे जो अर्थ सरफेस एरिया है वहां पे कंपन पैदा होती है और वहां पे जब एकदम से कोई फोर्स नीचे से जाएगी तो वो क्या करेगी, वहां से उसको वो फाड़ने का काम करेगी बीच से, और वो बीच में से टूट के और वो क्या करेगी अपनी दिशा में अलग अलग से जाने लगेंगी। तो इसी तरह से हमें देखना है कि कौन सी प्लेटें पास आएंगी, कब प्लेटें दूर जा रही हैं, मतलब प्लेटें अगर पास आ रही हैं तो उसमें क्या होगा, प्लेटें अगर दूर जा रही हैं तो क्या होगा, और तीसरी जो प्लेट है जो ना दूर जा रही है ना पास आ रही है, मतलब वो किसी को ना हानि पहुंचाती है ना फिर वो लाभकारी ही है। तो अभी हम यहाँ देखेंगे प्लेट की गति कितने प्रकार की है। सबसे पहले हम प्लेट की गति में देखेंगे कि अभिसारी, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव प्लेट, कंस्ट्रक्टिव प्लेट में क्या होगा, ऐसी प्लेटें जो एक दूसरे के पास आ रही हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी तो वो क्या होगी, अभिसारी प्लेटें या कंस्ट्रक्टिव प्लेटें। अभिसारी को हम इंग्लिश में कन्वर्जेंट बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट। ठीक है, सेकंड है हमारा अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेट में क्या होगा, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लेट हम इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं अपसारी प्लेट को। ये अब इनकी गति कौन सी होगी, ऐसी प्लेटें जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी एक प्लेट अगर पूर्व में जा रही है तो दूसरी प्लेट क्या करेगी, वो पश्चिम की तरफ खिसका होगा। ठीक है, यानी वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, अपोजिट जाएंगी। थर्ड जो प्लेट है हमारी वो है संरक्षी, यानी इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कंजर्वेटिव, कंजर्व करना यानी संरक्षित करके रखना यानी संभाल के रखना, ये आपको पता ही होगा, सिंपल सी बात है। तो कंजर्वेटिव या संरक्षी किनारे वाली प्लेट कौन सी प्लेटें होती हैं, ऐसी प्लेटें जो एक दूसरे के अगल बगल खिसकती रहती हैं, यानी ऐसे किनारों वाली प्लेटें जो एक दूसरे के लिए ना तो हार्मफुल है ना तो फिर वो उनके लिए लाभकारी है, यानी पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, इनमें केवल क्या होगा कि ऐसे करके ये सिर्फ रगड़ खाएंगी और इसमें थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पे कंपन महसूस की जा सकती है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। अभी यहाँ से एक क्वेश्चन जो है मेनली पूछा जाता है नेट के एग्जाम में, काफी बार पूछा जा चुका है कि कंजर्वेटिव या फिर संरक्षी प्लेट के किनारों का कोई उदाहरण बताइए।
तो सबसे फेमस जो है कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश है, सैन एंड्रियास भ्रंश, ये हमारे संरक्षी किनारों का उदाहरण है। इसके दो तीन उदाहरण और हैं, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे फेमस जो उदाहरण है, जो ऑलमोस्ट हमारे एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है संरक्षी प्लेट का, वो है सैन एंड्रियास भ्रंश। अब कई विद्वानों ने इसके ऊपर काम किया है, जैसे कि एंटोनियो स्नाइडर हैं, उन्होंने 1858 में इसके ऊपर काम किया था। उसके बाद हमारे एफबी टेलर हैं, जिन्होंने कन्वेक्शनल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस दी थी। उसके बाद वैगनर महोदय ने भी इसके ऊपर काम किया है। तो अभी मतलब बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने प्लेटों के ऊपर अपने अपने विचार दिए हैं। कोई किसी प्लेट को मतलब अलग अलग बता रहा है, कोई किसी प्लेट को एक ही बता रहा है। जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, कई विद्वान इंडियन प्लेट को अलग मानते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग मानते हैं, लेकिन कई विद्वान क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोल के उसको मर्ज कर देते हैं, उन दोनों को एक ही प्लेट बना देते हैं। ऐसे ही हमारी ऑस्ट्रेलिया सॉरी अमेरिकन प्लेट है, कई विद्वान नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की प्लेट को अलग अलग मानते हैं, लेकिन कई विद्वान जो है अमेरिकन प्लेट को एक ही मान देते हैं, यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों को मर्ज करके वो एक ही प्लेट का उदाहरण देते हैं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि किस किस विद्वान ने कितने कितने प्लेटें मानी हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि बड़ी प्लेटें कौन सी हैं, छोटी प्लेटें कौन सी हैं, उनकी गति कितनी है, स्पीड कितनी है, वो किस दिशा में जा रही हैं, और वहां पे किस किस चीज का निर्माण हो रहा है। अभी एक बात और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे आपको, जो ज्वालामुखी है, वोल्केनिक जो विस्फोट वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, यानी ज्वालामुखी उद्गार सबसे ज्यादा अभिसारी यानी कन्वर्जेंट, जहां पे प्लेटें पाई जाती हैं, यानी जहां पे दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के आसपास आती हैं, तो वहां पे अभिसारी प्लेटों के किनारे पर ज्वालामुखी उद्गार हमें देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब जहां पे दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के साथ टकराती हैं, तो वहां पे सबडक्शन प्रोसेस होगी। आपको पता ही होगा कि सबडक्शन प्रोसेस क्या है, यानी कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के आसपास आ रही हैं और उसमें से एक की डेंसिटी कम है, एक की डेंसिटी ज्यादा है, तो जो भारी है, भारी वाली प्लेट क्या करेगी, हल्की प्लेट को ऊपर उठा देगी, या फिर जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे चली जाएगी, और वो उसको नीचे जाएगी तो नीचे जाते जाते एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पे मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, यानी वो द्रवित होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में आपने पढ़ा ही होगा कि पृथ्वी के अंदर जब हम गहराई में जाते हैं तो वहां पे ताप और दाब दोनों ही बढ़ते जाते हैं, और इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि कोई भी चीज वहां पे जाके मेल्ट हो जाती है। तो जहां पे दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल आई थी, एक दूसरे के पास आ रही थी, तो वो क्या करेगी, ये हमारी हल्की प्लेट है, लाइट वेट वाली है, और ये हैवी वेट वाली। तो हैवी वेट वाली जो प्लेट है वो लो है, लो वेट के नीचे क्या करेगी, वो इसके नीचे जाएगी, और इसके नीचे जाने से ये वाली जो प्रोसेस हुई है वो है हमारी सबडक्शन वाली, ठीक है, सबडक्शन प्रोसेस। और जहां पे वो जाके मेल्ट हो जाएगी यानी द्रवित हो जाएगी, वो है हमारा बेनियाफ जोन, यानी ऐसा कोई स्थान जहां पे कोई भी पदार्थ अगर जाता है, कितना भी सॉलिड अवस्था में वो क्यों ना हो, वो वहां पे जाके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये देखने की जरूरत है, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा, वो क्वेश्चंस हैं कि प्लेट वर्ड किसने दिया था, कूजो विल्सन ने, प्लेट विवर्तनी की जो हमारा आज का अध्याय है वो किसने दिया था, मॉर्गन महोदय ने, और वो किसके विचारों से आकर्षित होकर इस टॉपिक को लेके आए थे, तो वो है हैरी हेस। उसके बाद प्लेटों के प्लेट कितने प्रकार की हैं, महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, और महासागर और महाद्वीपीय प्लेट। उसके बाद उनकी गहराई कितनी है और उनकी घनत्व यानी डेंसिटी कितनी है। उसके बाद प्लेट की गति यानी वो किस किस दिशा में जा रही है, तो हमें ये पता है कि तीन है, अभिसारी, अपसारी और संरक्षी। अपसारी प्लेटें जो जहां पे बहुत सारे ज्वालामुखी उद्गार हमें देखने को मिलते हैं, अपसारी प्लेटें जो हैं निर्माणकारी प्लेटें भी कहलाती हैं, क्योंकि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो नीचे जो द्रव अवस्था में लावा था हमारा, वो क्या करेगा, एकदम प्रेशर से बाहर निकलेगा, और वहां पे वोल्केनिक माउंटेन्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। या फिर दूसरा हम बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे सोलिड है तो यहाँ पे क्या होगा, घाटी या फिर वैली का निर्माण होगा। और थर्ड था हमारा संरक्षी, जो कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश हमारा सबसे मेन उदाहरण है। आइए अब हम देखते हैं कि मुख्य प्लेटें कौन सी हैं और गौण प्लेटें कौन सी हैं।
मोर सॉरी अभी हमें ये देखना है कि किस महोदय ने कितना कितनी प्लेटें बताई हैं। मोर्गन महोदय ने इनके ऊपर काम किया है, शोलर ने काम किया है, उसके बाद टेलर ने काम किया है, वैगनर महोदय ने काम किया है, तो सबने अलग अलग प्लेटें बताई हैं। तो अभी हमें देखना है कि मोर्गन महोदय के अनुसार कुल कितनी प्लेटें हैं। मोर्गन महोदय ने 6 बड़ी और 14 छोटी प्लेटें बताई हैं। पिचौन महोदय ने 6 बड़ी और 9 छोटी प्लेटें बताई हैं। स्ट्रोलर महोदय ने छोटी और बड़ी प्लेटें दोनों को मिक्स करके टोटल 12 प्लेटें बताई हैं। सोलन महोदय ने छोटी व बड़ी दोनों 12 प्लेटें बताई हैं। एनजीएस के अकॉर्डिंग यानी नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी, जहां जिसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है, उन्होंने 7 बड़ी और 6 छोटी प्लेटें बताई हैं। अभी हमें देखना है कि छोटी प्लेटें कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, और बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं, यानी मुख्य और गौण प्लेटें हमें देखनी है। तो मुख्य प्लेटें जो हैं प्रशांत है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, उसके बाद उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन है और इंडियन प्लेट है। ये हमारी बड़ी प्लेटें हैं या फिर मुख्य प्लेटें हैं, आप इसे बोल सकते हैं। दूसरा है हमारा गौण प्लेटें या फिर छोटी प्लेटें, आप इन्हें बोल सकते हैं। तो ये है हमारी नाजका, कोकोस, फिलीपींस, कैरेबियन, रिवेरा, स्कोटिया। तो अभी हमें ये देखना है कि किसकी स्थिति कहाँ पे है, और नॉर्थ टू साउथ इन्हें हम सेट कैसे करेंगे, किसकी गति किस तरफ से है। आइए अब हम मैप पे देखते हैं इसे। तो जैसा कि हमने बात किया था मुख्य प्लेटें और गौण प्लेटें, यानी बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट कौन कौन सी है। तो पहले हम देखेंगे मुख्य प्लेट। मुख्य प्लेट में सबसे बड़ी प्लेट जो मैं बताऊं आपको वो है पैसिफिक ओशियन प्लेट यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट। दूसरी है नॉर्थ अमेरिका प्लेट। अगली है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। नेक्स्ट है हमारी अफ्रीकन प्लेट। नेक्स्ट है यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट और लास्ट है अंटार्कटिका प्लेट। ये हमारी मुख्य प्लेटें हैं। अब हम गौण प्लेटें या फिर छोटी प्लेटों के बारे में देखेंगे। तो वो काफी सारी, जैसे मैंने बताया था आपको, नाजका, स्कोटिस, फिलीपींस, अनातोलिया, स्कोटिस, कैरेबियन, नाजका, कोकोस। तो अभी हमें उनकी स्थिति के बारे में देखना है कि वो कौन सी कहाँ पे स्थित है और उनकी दिशा कौन सी है, यानी वो किस दिशा में गति कर रही हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी दिशा में और प्रशांत महासागर के पूर्वी दिशा में। तो सबसे ऊपर है हमारी गोल्डा प्लेट। गोल्डा प्लेट के जस्ट नीचे है जुआन डी फूका प्लेट। जुआन डी फूका, जुआन डी फूका के नीचे जो प्लेट है हमारी वो है ओरेगन प्लेट। ओरेगन प्लेट के नीचे है रिवेरा प्लेट। रिवेरा प्लेट जो है ये हमारी नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है। अब हम साउथ अमेरिका के प्लेट के पास आएंगे तो यहाँ पे कोकोस प्लेट है, जो हमारी सिर्फ सागरीय प्लेट है। अभी हमने बात की थी कि कुछ प्लेटें महासागरीय हैं और कुछ पूर्णतः महाद्वीपीय हैं। तो ये कोकोस प्लेट छोटी है लेकिन केवल महासागरीय है। उसके बाद हमारी नाजका प्लेट है, फिर स्कोटिस प्लेट है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये स्कोटिया के पास होगी, लेकिन ये आपका सही नहीं होगा, क्योंकि स्कोटिश जो प्लेट है वो हमारी यहाँ पे स्थित है। उसके बाद एक हमारी कैरेबियन प्लेट है। कैरेबियन द्वीप समूह आपने सुना होगा, कैरेबियन सी के बारे में सुना होगा। तो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में या अंध महासागर के अंदर आप इसे देख सकते हैं, ये है हमारी कैरेबियन प्लेट। उसके बाद है हमारी अनातोलिया प्लेट टू, यानी अनातोलिया के पठार के बारे में आपने सुना होगा। तो अनातोलिया का पठार जहाँ पे स्थित है वहीं पे अनातोलिया प्लेट भी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारी फिलीपींस द्वीप समूह जो है वहां पे फिलीपींस प्लेट देखने को मिलती है हमारी, और कैरोलिन प्लेट और बिस्मार्क प्लेट भी यहाँ पे स्थित है। अभी जो हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे वो एचटेट, सीटेट हो या फिर यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर वाला हो, तो उसमें क्या आजकल चल रहा है कि उनको सीक्वेंस में सेट करना आ रहा है कि नॉर्थ टू साउथ आप इन्हें सेट करके दीजिए या फिर ईस्ट टू वेस्ट इन्हें सेट करके दीजिए। तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं कि गोल्डा प्लेट है, जुआन डी फूका है, ओरेगन है, रिवेरा है, फिर कोकोस है, नाजका है, और सबसे नीचे है यहाँ पे स्कोटिश प्लेट। ठीक है, अभी हमें इनकी डायरेक्शन के बारे में देखना है कि कौन सी प्लेट किस दिशा में जा रही है। सबसे पहले हम हमारी भारतीय प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय प्लेट, अगर हम ये देखें कि नॉर्मली अगर आमतौर पर मैं आपको बताऊं, तो आप ये कैसे मेजर करेंगे कि इस प्लेट के अंदर मूवमेंट है। वो हम हमारे हिमालयन जो माउंटेन है यहाँ पे जो स्थित है, हिमालयन माउंटेन,
उसकी जो हाइट है वो प्रतिवर्ष मतलब कुछ मिलीमीटर सेंटीमीटर की दर से ही बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो ऊंचाई है वो हर वर्ष बढ़ती ही रही है। तो ये है जीवंत उदाहरण हमारा कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो है मूवमेंट में है। तो हमारी इंडियन जो प्लेट है वो उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रही है, और यूरेशियन जो प्लेट है हमारी वो दक्षिण पूर्व में गति कर रही है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हमारी उत्तर की तरफ जा रही है। अफ्रीकन प्लेट जो है हमारी एक जगह पे स्थिर है। अंटार्कटिका जो प्लेट है हमारी वो किसी निश्चित दिशा में गति नहीं कर रही है, यानी इसकी दिशा निश्चित नहीं है। ये मतलब थोड़ी सी मूवमेंट ही इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद स्कॉटिश जो है हमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सैन एंड्रियांस बरंस कैलिफोर्निया का जो संरक्षी किनारे वाली प्लेट का उदाहरण था, यानी वो सिर्फ अगल बगल खिसकती हैं, ना तो वो विनाश करती हैं ना तो फिर वो संरचना करती है। तो सैन एंड्रियांस बरंस जो यहाँ पे स्थापित है उसी का एक उदाहरण है स्कॉटिश प्लेट, यानी स्कॉटिश जो प्लेट है वो संरक्षी किनारों वाली प्लेट का उदाहरण है। और थर्ड है इसका कैरेबियन, कैरेबियन जो प्लेट है, कैरेबियन द्वीप समूह में जो पाई जाती है, ये भी संरक्षित प्लेट का उदाहरण है। उसके बाद जुआन डी फूका जो प्लेट है वो है हमारी पूर्व दिशा में गति कर रही है। गोल्डा प्लेट जो है वो पश्चिम में गति कर रही है। उसके बाद ओरेगन जो प्लेट है हमारी वो पश्चिम दिशा में गति कर रही है। कोकोस जो प्लेट है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, और नाजका जो प्लेट है वो दक्षिणी अमेरिका के अंदर टकरा रही है, यानी पूर्व दिशा में गति कर रही है। ये जो हमारा टॉपिक था ये काफी बेसिक था। इसके बाद हमें देखना है कि इनके इनसे इनकी जो मूवमेंट है उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्लाइमेट में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, किस किस विद्वान ने इसके ऊपर काम किया है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।